निवेश के बारे में सोचना बहुत आसान है, लेकिन आपके आर्थिक लक्ष्यों से मेल खाती निवेश रणनीति बनाने के लिए आपको एक एक्सपर्ट की जरूरत होती है और यहाँ पर काम आता है एटी मनी वन अपना फाइनेंस मिनिस्टर। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कविता थपलियाल। शो के जरिए हम आपको न सिर्फ आर्थिक आज़ादी की राह पर ले जाते हैं बल्कि आपको बताते हैं कि आपके जीवन में किस तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग के जरिए आप अपनी सभी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अपने आर्थिक लक्ष्यों को पूरा भी कर सकते हैं। तो चलिए आज शो की शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। क्या है क्वांट स्ट्रेटजी, कैसे ह्यूमन इंटरफेरेंस के बिना सिर्फ डेटा एल्गोरिथम्स मैथमेटिकल एनालिटिक्स के दम पर बनती है ये रणनीति, समझाएंगे हमारे दर्शकों को आज हम। रिटायरमेंट के बाद भी जिए जी भर के, जानिए रिटायरमेंट के बाद कैसे आप रह सकते हैं आर्थिक तौर पर आजाद। साथ ही हम आपको बताएंगे कैसे आप बना सकते हैं अपने लिए एक संतुलित फाइनेंशियल पोर्टफोलियो। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट से जुड़ा सवाल पूछना चाहते हैं, इंश्योरेंस हो, क्रेडिट कार्ड हो, लोन हो या क्रिप्टो करेंसी हो, आपको बस इस नंबर पर अपना सवाल भेज देना है। 9619873567 ये वो नंबर है जहाँ पर हमें इंतज़ार होता है आपके सवालों का। तो चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम फोकस करने वाले हैं क्वांट स्ट्रैटेजी पर, क्योंकि क्वांट फंड्स या इस स्ट्रैटेजी से जुड़े फंड्स बहुत ज़्यादा आजकल चलन में हैं और निवेशक भी इसमें बहुत रुझान दिखा रहे हैं। लेकिन असल में क्वांट स्ट्रैटेजीज़ क्या होती हैं, कितनी अलग होती हैं टेक्निकल स्ट्रैटेजीज से, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे, बताएंगे किस तरह के निवेशकों को क्वांट फंड्स में निवेश करना चाहिए। हमारे साथ आनंद राची वेल्थ के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज भी जुड़ गए हैं। फिरोज, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका इस बेहद खास पेशकश में। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा है, अक्सर फिरोज होता यह है कि कुछ नया तरह का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अगर बाज़ार में आता हुआ दिखाई देता है ना, तो निवेशकों में बहुत दिलचस्पी बढ़ जाती है उसको निवेश विकल्प के बारे में, भले वो जाने ना जाने, लेकिन क्योंकि नयापन है, न्यूनेस है, इसको लेके लोग उसमें पैसे लगाना शुरू कर देते हैं बिना कुछ रिसर्च किए, होमवर्क किए। इसी तरह आज हम क्वांट स्ट्रैटेजीज़ के बारे में विस्तार से बताएंगे दर्शकों को। पहला सवाल आपसे बहुत ऑब्वियस होगा, क्वांट स्ट्रैटेजीज़ क्या होती है? नमस्कार कविता जी। क्वांट स्ट्रेटजी वो होती है जो अपने तजुर्बे को मैथमेटिकल इक्वेशन में तब्दील करती है और कंप्यूटर को ये काम नियुक्त करती है। जैसे एक तजुर्बे में एक फंड मैनेजर कौन सी स्टॉक्स खरीदने पे पैसे बनते हैं वो तजुर्बे से इकट्ठा करता है, फिर एक क्वांटिटेटिव स्ट्रेटजी बनाता है जिसको मैथमेटिक्स के माध्यम से कंप्यूटर उन स्टॉक्स को चुनता है और कंप्यूटर ही उन स्टॉक्स को खरीदता या बेचता है। तो इसको कहते हैं क्वांटिटेटिव स्ट्रेटजी, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है क्वांट स्ट्रेटजी। क्योंकि ये बिजनेस इन्वेस्टिंग जो है मैथमेटिक्स का खेल है, क्या ये ह्यूमन इंटरवेंशन को निकाल के कंप्यूटर को और मैथमेटिक्स को ये काम डेलीगेट कर सके, उस फंड को क्वांट फंड कहते हैं। और ये क्वांट फंड मैथमेटिक्स के आधार पे, जैसे मैंने कहा, आधारित होता है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेटा को कंसिडर किया जाता है, काफ़ी बाज़ार की चाल या जिस भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए आप क्वांट स्ट्रैटेजी बना रहे हैं उसके इतिहास में जाया जाता है। लेकिन यही सब चीज़ें तो फिरोज़ हम टेक्निकल एनालिसिस भी जब करते हैं तब भी कंसिडर करते हैं, तो टेक्निकल एनालिसिस से क्वांट स्ट्रैटेजीज़ या एनालिसिस कितनी अलग होती है? बहुत अलग होती है कविता जी। टेक्निकल एनालिसिस से हम मार्केट की शॉर्ट टर्म दिशा का अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं, तो वो हो गई टेक्निकल। टेक्निकल में डायरेक्शन का अंदाजा लगाया जाता है, क्वांटिटेटिव में उन स्टॉक्स को जो वो पैरामीटर्स को फुलफिल करते हैं उन स्टॉक्स को चुना जाता है। क्योंकि इंडिया, काफी लोगों को पता नहीं होगा, इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है उसमें ही दुनिया के सबसे ज्यादा लिस्टेड स्टॉक अगर किसी देश में है तो वो इंडिया में है। ह्यूमनली एनालिस्ट के माध्यम से पूरे 5-6 हजार स्टॉक्स की अच्छी डीप एनालिसिस करना कठिन होता है, उनकी बैलेंस शीट्स को देखना कठिन होता है, तो कंप्यूटर ये काम ह्यूमन से अच्छी तरह से कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर फ्री कैश फ्लो के हिसाब से अगर क्वांटिटेटिव स्ट्रेटजी की एक चूजिंग क्राइटेरिया है, तो फ्री कैश फ्लो के आधार पे वो स्टॉक्स चुन लाएगा
जो वो क्राइटेरिया मीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक क्राइटेरिया हो तो, अगर पांच क्राइटेरिया हो तो पांचों क्राइटेरिया को पार करने वाले कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं, वो स्टॉक्स का चुनाव करके पोर्टफोलियो बनाया जाता है। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, टेक्निकल इज टू अंडरस्टैंड डायरेक्शन, क्वांटिटेटिव स्ट्रेटजीज आर टू अंडरस्टैंड बिजनेसेस एंड बैलेंस शीट्स एंड मेक अ चॉइस। तो ऐसे में मुझे बताया, अगर हम स्टॉक्स की बात करें या हम म्यूचुअल फंड स्कीम्स की बात करें या उनकी स्ट्रैटेजीज की बात करें, तो किस तरह से ये डेटा और एनालिसिस क्वांट स्ट्रैटेजीज बनाने में काम की आती है, कैसे एक पोर्टफोलियो को डिज़ाइन किया जा सकता है इस एनालिसिस के दम पर? साफ तौर से इसके लिए आपको प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है, हर एक रिटेल निवेशक की बस की बात तो नहीं है इस तरह की स्ट्रैटेजी को अपनाना, लेकिन क्योंकि ये बहुत ही माहिर लोगों का काम होता है, किस तरह से पोर्टफोलियो डिजाइनिंग में आप क्वांटिटेटिव स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, पोर्टफोलियो डिजाइन करना है तो अगर समझो कि सिंगल फैक्टर मॉडल होता है तो उसमें वैल्यूएशन के पैरामीटर्स काफी बार डाले जाते हैं कि उन स्टॉक्स को चुने जिसकी प्राइस टू अर्निंग ऐसी हो, प्राइस टू बुक ऐसी हो, डिविडेंड यील्ड ऐसा हो, वो सब वैल्यूएशन पैरामीटर्स हैं। काफी बार क्वांटिटेटिव स्ट्रेटजीज में ये पैरामीटर्स भी डाल दिए जाते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी कितनी है, रिटर्न ऑन कैपिटल कितना है, फ्री कैश फ्लो कितना है, ये सब लिक्विडिटी क्राइटेरिया हो गए, वो क्वांट में डाल सकते हैं। तो काफी सारे क्राइटेरियाज हैं, एक या दो या चार पांच क्राइटेरिया से कंप्यूटर को बोला जाता है कि ऐसे स्टॉक को चुनो। अगर वो स्टॉक्स चुन के आते हैं, अगर समझो 100 स्टॉक आते हैं, अगर कंप्यूटर ने सिर्फ 40 स्टॉक चुनने हैं तो टॉप 40 उन पैरामीटर्स के आधार पे वेटेजेस देके चुने जाते हैं। तो उससे एक पोर्टफोलियो जरूर बन जाता है, क्योंकि ये कंप्यूटर करता है तो ये ह्यूमन की एरर या ह्यूमन का बायस दोनों ही एलिमिनेट हो जाते हैं इस मेथड से। तो बट उसकी सक्सेस, जो क्वांटिटेटिव स्ट्रेटजी की सक्सेस, उस आधार पे निर्भर करेगी कि जो स्ट्रेटजी चुनी गई है, जो क्राइटेरिया चुना गया है, जो पैरामीटर चुना गया है, क्या वो मजबूत पैरामीटर है। उसकी बैक टेस्टिंग करते हैं क्वांटिटेटिव स्ट्रेटजीज की 20 साल तक, 25 साल तक, 10 साल तक, तो कैसा नतीजा निकल के बाहर आया है। तो क्योंकि क्वांट की सबसे अच्छी खासियत यह है कि उसकी आप बैक टेस्टिंग कर सकते हैं लास्ट 10-20 सालों तक। तो अगर क्वांटिटेटिव स्ट्रेटजी चूज की है सही वाली, तो परफॉर्मेंस अच्छा आने की गुंजाइश होती है। क्या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो फंड मैनेजर का रोल अमूमन हम एक्टिव फंड्स में देखते हैं वो काफ़ी हद तक क्या कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन इंटरवेंशन की बात नहीं हो रही है, आपकी बैकिंग काफ़ी हद तक डेटा और टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर होती है, तो ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होने से क्या एक फंड मैनेजर जिन्होंने शायद बाजार की इतनी सारी साइकिल्स देखे हो, उनका अनुभव काम नहीं आता है या आता है? क्या एक फंड मैनेजर की इन्वॉल्वमेंट क्या फिर भी होती है इसके बावजूद? नहीं कविता जी, आई थिंक इसमें तो क्लियरली फंड मैनेजर की इंटरवेंशन नेग्लिजिबल या निल होती है, ज्यादातर निल होती है। नेग्लिजिबल इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोई ऐसा फंड भी हो सकता है जहाँ पे लास्ट लेयर फंड मैनेजर की हो। 99% यही होता है कि क्वांट फंड में कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता, इसीलिए वो पैसिव, काइंड ऑफ पैसिव माने जाएंगे। बट इंडेक्स फंड्स के मुकाबले डिफरेंट है क्योंकि इस फंड्स में काफी खरीदना बेचना होता है, बट वो कंप्यूटर और वो क्वांट की जो स्ट्रेटजी नियुक्त की है उसके आधार पे होता है। सो टू आंसर योर पॉइंटेड क्वेश्चन, ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता है 99% स्कीम्स में, ह्यूमन इंटरवेंशन इज नॉट एट ऑल इन्वॉल्व्ड। तो इंडेक्स फंड से अलग, लेकिन क्या कॉस्टिंग के लिहाज से ये जो पैसिव फंड्स की कॉस्टिंग होती है जिनको हम किफायती कहते हैं, क्या उसी की तरह ये किफायती होते हैं? नहीं, इनकी जो कॉस्ट होती है दोनों के बीच में होती है। इंडेक्स फंड्स बहुत सस्ते होते हैं, एक्टिव मैनेजमेंट फंड्स डायमेट्रिकली ऑपोजिट 1.5 या 2% चार्ज करते हैं, तो ये कहीं बीच में आते हैं, 50 से 75% की भी इनकी कॉस्ट होती है, एक्टिव फंड से कम है और ETF से जो इंडेक्स को रेप्लीकेट करते हैं उससे ज्यादा है। मुझे ये बताएं कि ऐसी क्या वजह है कि पिछले एक साल में हमने बहुत सारे क्वांट फंड्स को आते हुए देखा है? मेरे ख्याल से इक्का दुक्का फंड्स ही हैं जो शायद 3 साल पुराने होंगे इस कैटेगरी में फिरोज, तो अचानक से ये जागरूकता और AMCs में इस तरह की दिलचस्पी इस तरह के फंड्स को लॉन्च करने की क्यों आती हुई हमने देखी है? देखिए कविता जी, लास्ट 2-3 सालों में स्पेशली कोविड के बाद टेक्नोलॉजी पे काफी एम्फेसिस आया है, और टेक्नोलॉजी की वजह से जो हर श्रेय में टेक्नोलॉजी का फायदा हो रहा है
उसी को थ्रेड मानते हुए फंड मैनेजमेंट इंडस्ट्री भी ये स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन रखती है कि मैथमेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी की जो कॉम्बिनेशन है उससे स्टॉक पिकिंग काफी अच्छी हो सकती है। तो ये एक्सपेरिमेंटल फेज है, बिगिनिंग फेज है, थोड़ी स्कीम्स ने बहुत अच्छा प्रदर्शन भी दिया है, इसीलिए मुझे बड़ी उम्मीद है कि जैसे ग्लोबली क्वांट फंड एक लार्ज कैटेगरी हो है, इंडिया में भी अगले 5-10 सालों में थीमेटिक कैटेगरी में क्वांट की रेलेवेंस ज्यादा बढ़ती देखने को मिलेगी। दैट्स द प्रोजेक्शन। मुझे ये बताएं कि ग्लोबली क्वांट फंड्स का रुझान इतना ही है निवेशकों में? नहीं, कई कई ज्यादा है, क्योंकि जो okay. जैसे ही जैसे मार्केट इमर्ज होती है, जैसे वो इंडस्ट्री, वो फॉर एग्जांपल यूएस की जो कैपिटल मार्केट्स है वो कई अरबों से चल रही है, इंडिया की कैपिटल मार्केट 20 या 30 साल में मैच्योर हुई है, वो 60-70 इयर्स से मैच्योर हो चुकी है। तो जहां भी मैच्योर मार्केट्स देखने को मिलेंगी वहां ह्यूमन इंटरवेंशन की जो अहमियत है वो कम होती देखने को मिलेगी। सो इंडिया विल ऑल्सो एमर्ज टू बी अ वेरी लिक्विड वेरी रोबस्ट मार्केट, तो क्वांट की रेलेवेंस बढ़ेगी एंड इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमन रेलेवेंस। फंड्स के जो फिलहाल मौजूद हैं और निवेशक जिनमें पैसे डालकर इसमें निवेश भी कर सकते हैं, किस तरह के ये क्वांट फंड्स हैं, इनकी रणनीति कैसे अलग अलग होगी? भले ही हमें कैटेगरी की बात कर रहे हैं लेकिन फंड्स की एनालिसिस तो अलग अलग होगी और अलग अलग तर्ज पर वो कामकाज करते होंगे फिरोज, क्योंकि ये थीमेटिक कैटेगरी भी है जिसकी शायद हम बात कर रहे हैं, तो उसके लिहाज से इनको सेग्रीगेट करके समझना बहुत जरूरी हो जाएगा। करेक्ट। क्वांट फंड की सबसे बड़ी दुविधा ये है कि वो कौन सी क्वांटिटेटिव टेक्निक का प्रयोग कर रहे हैं, वो क्लियरली नहीं मिल पाएगा, तो इसीलिए इसमें ज्यादा डीपर एनालिसिस की जरूरत है, क्योंकि क्वांट फॉर एग्जांपल लार्ज कैप कैटेगरी अगर हम देखें तो ज्यादातर फंड्स एक सिमिलर स्ट्रेटजी को अपनाते हैं, तो उनको समझना काफी सरल है, बट क्वांट की जो स्ट्रेटजीज है वो काफी डिफरेंट है, इसीलिए परफॉर्मेंसेस भी बहुत डाइवर्स हैं। अगर आप लास्ट वन ईयर की परफॉर्मेंस देखें तो क्वांट का क्वांटमेंटल फंड 36% की रिटर्न सिर्फ 3 महीने में दे चुका है, 6 महीने में 22-23% की रिटर्न दे चुका है, वही के वही समय में दूसरा एक डीएसपी का क्वांट फंड है जो 24% की नेगेटिव रिटर्न भी दे चुका है। तो इसमें जो डाइवर्सिटी है परफॉर्मेंस की वो बहुत लार्ज है, और इसीलिए थोड़ी कॉम्प्लेक्स कैटेगरी है, इसमें सिर्फ समझदार इन्वेस्टरों को निवेश करना चाहिए, जो क्वांटिटेटिव स्ट्रेटजी का प्रयोग कर रहा है वो फंड, उसकी समझ और उसकी बेहतरी होनी ना होनी उसकी भी समझ रखना निवेशक को बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि परफॉर्मेंस अगर आप लास्ट 3 महीने की डिफरेंस देखें तो एक फंड ने 36% पॉजिटिव दिया है, दूसरे फंड ने 24% नेगेटिव दिया, तो 60% का अंतर 3 महीने में इसी कैटेगरी में देखने को मिला है, विच इज रिलेटिवली अ स्मॉलर कैटेगरी। तो हम ये तो नहीं कह सकते फिरोज इस समझाइश के तर्ज पे कि ये फंड सभी के लिए हैं, मेरे ख्याल से जो ज़्यादा जोखिम उठा सकते हैं, जो एक तरह से मंझे हुए निवेशक हैं जिनका नज़रिया भी थोड़ा सा लंबा है, क्या उसी तरह के निवेशकों को इस तरह के फंड में दिलचस्पी दिखानी चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे आपकी बात समझ कर और इस क्वांट फंड की स्ट्रैटेजीज को समझ कर ये पता चल रहा है कि ये आपके कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा अगर ना हो तो चल जाएगा। बिल्कुल कविता जी, जो आपका ये कंक्लूजन है, जो निष्कर्ष आपने निकाला है कि ये सिर्फ मंझे हुए इन्वेस्टर्स, जो समझदार इन्वेस्टर्स हैं, जो फिनेंस को बारीकी से समझते हैं, उनके लिए है, ये बिल्कुल सही निष्कर्ष आपने निकाला है इस कॉन्वर्सेशन से मेरे हिसाब से। एंड ये कोर पोर्टफोलियो से आप एग्जेम्प्ट हो सकते हैं और ये कोर पोर्टफोलियो से एक्सक्लूड किया जा सकता है। और राइट, चलिए तो यहाँ पर बारीकी से क्वांट स्ट्रैटेजीज और इनके महत्व के बारे में हमने आपको जानकारी दी है, लेकिन अगर आपको कोई सवाल हमसे पूछना है जो कि क्वांट फंड से जुड़ा हुआ हो या इसके अलावा भी अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी या अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पर कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो एक व्हाट्सएप नंबर है जो हम फ्लैश करेंगे और इस नंबर पर आपको अपने सवाल हम तक पहुँचा देने हैं। 9619873567 ये वो नंबर है जहाँ पर हमें इंतज़ार रहेगा आपके सवालों का। और बात यहाँ पर निकली है सवालों की, तो बहुत दर्शक हैं जो हमें व्हाट्सएप करते हैं अपने सवाल, कुछ दर्शक हमें वीडियो के जरिए भी अपना सवाल भेजते हैं, तो आप भी वो दर्शक हो सकते हैं, अपना जो सवाल है वीडियो के रूप में शूट कीजिए और उसको व्हाट्सएप कर दीजिए इस नंबर पर। लेकिन जो दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ हैं उनसे बात करते हैं। तपस, तपस गुड इवनिंग, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैडम गुड इवनिंग, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू, आप बताएं क्या हाल चाल? बस चल रहा है मैडम। बहुत बढ़िया मैडम, मेरा पोर्टफोलियो तो आपके पास है,
ठीक है? बिल्कुल है, जी है, जी जी जी. एंड मेरा एट प्रेजेंट प्रोफाइल पोर्टफोलियो अराउंड 90 लाख. लास्ट 5 इयर्स या आई वाज इन्वेस्टिंग दिस काइंड ऑल दिस एसआईपी. ऑल्सो मेरा कुछ लमसम इन्वेस्टमेंट है जिसमें मैं एसआईपी स्टॉप कर दिया था लास्ट ईयर, दैट इज ऑल्सो 20 लाख. तो मेरा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज टाटा पीई इक्विटी फंड लास्ट 3 इयर्स से परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर रहा है, बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर रहा है, कर पा रहा है, तो उसको मैं कंटिन्यू करूं? फर्स्ट जो लमसम अमाउंट है उसको कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते? ओके, लमसम आपके पास अभी कितना पड़ा हुआ है? 90 लाख जो आपकी जमा राशि है पोर्टफोलियो से, उसकी बात कर रहे हैं? वो तो कंटिन्यू चलने वाला है मैडम, वो तो एसआईपी एंड ऑल वो तो है. जो लमसम मींस है ना, दैट कोटक फ्लेक्सी का मैंने स्टॉप कर दिया था 6 महीना पहले, वो है अराउंड 9 लाख समथिंग. एंड एक एचडीएफसी का कंटिन्यू चल रहा है, बट सोच रहा वो भी अराउंड 10 लाख. ओके, मुझे बताइए, आपकी उम्र 55 साल की है, तो आपने यहाँ पर रिटायरमेंट के लिहाज से मेरा टारगेट है 2027 तक अराउंड 2.5 करोड़ में, इंक्लूडिंग दिस 90 लाख, ये जोड़ के मेरे को 2.5 लाख का टारगेट है. ऑलराइट, फॉर रिटायरमेंट. ओके, फॉर रिटायरमेंट. ऑलराइट, तो इसी में से आपको रेगुलर इनकम की भी जरूरत होगी, है ना? नहीं, हाँ इसमें है और कुछ एफडी वगैरह से है, बट इसमें ही मेरे को रेगुलर इनकम का मैं वो प्लान कर रहा हूँ 2.5 करोड़ से. 2.5 कितना लगेगा आपको हर महीना, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट फिर हमें वैसे रिव्यू करनी होगी, बिकॉज इसी कॉर्पस में से आपको रेगुलर इनकम भी चाहिए होगी ना हर महीना? एटलीस्ट 1 लाख तो चाहिए पर मंथ. पर लाख 1 लाख रुपीज? या. ओके, ऑलराइट. चलिए फिरोज, आपके पास है इनका सवाल. तो अब इन्होंने अपनी पूरे जीवन की जमा पूंजी हमें भेजी है, जिसको ये चाहते हैं कि हम थोड़ा सा और वर्कआउट करके रिटायरमेंट के बाद जो इनको 1 लाख रुपए राशि चाहिए हर महीना, उसके लिए इन्हें सहायता करें. टाटा इक्विटी पीई फंड की परफॉर्मेंस से ये थोड़े से निराश हैं, और कुछ लमसम अमाउंट भी इनके पास पड़ा हुआ है जहाँ पर इन्होंने 2 फंड्स में निवेश करके अभी उसको रोक दिया है, उसे भी ये कहाँ लगा सकते हैं? तो बताएं क्या रणनीति होगी इनके लिए? तपस जी, मेरे हिसाब से पहला सवाल ये होता है कि क्या आपके जो एक्यूमुलेशन कर रहे हैं आप क्लोज टू 2.5 करोड़ पे पहुंच पाएंगे कि नहीं 2027 में? अच्छी बात यह है कि आप 90 लाख के लमसम इन्वेस्टमेंट पे हैं, 1,05,000 की आप रेगुलरली मंथली एसआईपी कर रहे हैं, तो यहाँ तक कि आपके 2.5 करोड़ का सवाल है, आप 14-15% के बीच में 2.5 से 2.7 करोड़ तक पहुंच जाएंगे. पॉइंट टू, क्या ये पहुंचने के बाद क्या आप लाख रुपए पर मंथ इस 2.5 करोड़ की कॉर्पस से इकट्ठा हुआ कॉर्पस से 1 लाख रुपए पर मंथ ला पाएंगे और खर्च कर पाएंगे कि नहीं? वो भी आंसर यस होगा, क्योंकि 2.5 करोड़ पे अगर आपको सिर्फ 1 लाख रुपए चाहिए और अपना असल खर्च ना करके भी आपको सिर्फ 4-5% की रिटर्न में भी वो 1 लाख रुपए पर मंथ मिल सकता है. तो दोनों टारगेट्स जो प्री रिटायरमेंट एंड पोस्ट रिटायरमेंट की रेगुलर इनकम, कविता जी, दोनों की पॉजिटिव आउटकम निकलेगी विद द करंट प्लान ही हैज. पॉइंट 1. पॉइंट 2, इनकी जो स्कीम्स हैं, ऑफकोर्स जो काफी सारी स्कीम्स हैं जिसमें थोड़ा सा बदलाव जरूर वो देख सकते हैं, स्पेशली जो टाटा पी फंड है, इन्होंने खुद ने हाईलाइट किया है, उसकी जो रिप्लेसमेंट फंड मेरे हिसाब से होगी एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप होगी. एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप को हमने बारीकी से समझा है और 1 साल पहले ही रेकमेंड किया है, उसके पहले ये नॉन रेकमेंडेड स्कीम हुआ करती थी. इसके जो 11 पैरामीटर्स हम टेस्ट करते हैं उसमें अच्छी तरह से 8 पैरामीटर में ऊपर से ऊपर आती है, और इनके जो टारगेट एनएवी है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, वो भी काफी ब्राइट है. सो टाटा पी को अगर आप एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप से रिप्लेस करें, जो प्रशांत जैन का फंड है, दैट विल बी अ ग्रेट चेंज. अगर आपको सेफ रहना है कि 15% की रिटर्न आए नहीं आए, तो थोड़ा सा इजाफा अगर आप अपनी एसआईपी में कर सकें तो 2.5 करोड़ का जो प्लान है वो बहुत ज्यादा रोबस्ट हो जाएगा. तो टाटा डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज एक अच्छी स्कीम है. एक्सिस फोकस 25 के बदले अगर आप एसबीआई फोकस 25 फोकस्ड इक्विटी रखेंगे तो उसमें ग्लोबल स्टॉक्स का भी आपको एक्सपोजर मिल जाएगा. आपकी जो दोनों ईएलएसएस स्कीम्स हैं जो हमने परखी, दोनों ही अच्छी हैं, क्वांट और कैनरा की, दोनों को आप बरकरार रखें. ऑलराइट, अब जब इनको ये लमसम निवेश करना है, वो किन फंड्स में करें और किस-किस किश्तों में कर सकते हैं ये, फिरोज? कविता जी, मेरे हिसाब से जो स्कीम्स हमने बात करी, डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा एंड एसबीआई फोकस्ड इक्विटी, ये 4 स्कीम में अपनी ये लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं.
बट लमसम इन्वेस्टमेंट्स आज की करंट मार्केट स्थिति अगर आज मैं देखूं तो क्लोज टू 17,800 है, थोड़ी एलिवेटेड लेवल मानी जाएगी हमारे हिसाब से। निफ्टी की फंडामेंटल लेवल 16,900 की होनी चाहिए, तो जब तक की मार्केट उसके नीचे नहीं होती है लमसम रेकमेंडेड नहीं है। तो स्टैगर करके 10 महीनों में आप इसको स्टैगर करके डालें, अगर मार्केट नीचे आ जाती है 16,500, 16,700, 16,900 के नीचे, तो आप जो बची हुई किस्तें हैं उसको आप लमसम इन्वेस्ट जरूर कर सकते हैं। तो ये रणनीति, हमेशा जब मार्केट फंडामेंटल लेवल से नीचे हो तो आप लमसम इन्वेस्ट करें, और फंडामेंटल लेवल से ऊपर हो तो स्टैगर करें। हैज ऑलवेज वर्क फॉर आवर क्लाइंट्स एंड फॉर आवरसेल्व्स। तपस्वी, आप फोन लाइन पर हैं मेरे साथ, आपको कोई सवाल पूछना है? यस मैम, यस मैम, पूछिए। नहीं मैम, फिरोज साहब जैसे बताया, जो फॉरेन मेरे पास ऑलरेडी एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज एंड पराग बीपी फ्लेक्सी कैप दोनों में फॉरेन इन्वेस्टमेंट का देख के क्या है, मैक्सिमम लार्ज कैप एंड जो एक्सिस ग्रोथ में वो यूरोपियन मार्केट में भी इन्वेस्ट करता है। सो वाई टाटा इक्विटी, पहले फिरोज साहब का एक प्रोग्राम देखा था वैल्यू में एचबीआई कॉन्ट्रा, तो वो लेगा तो अच्छा होगा क्योंकि ऑलरेडी मेरा फॉरेन एक्सपोजर तो है दोनों फंड में। प्रश्न है तपस जी, एसबीआई कॉन्ट्रा हमारी फेवरेट स्कीम हो रही है क्योंकि दिनेश जो फंड मैनेजर है करंट मार्केट स्थिति में वो कॉन्ट्रेरियन स्टॉक्स को बेट करते हैं, और एसबीआई जो फंड मैनेजमेंट टीम है लेड बाय आर श्रीनिवासन, उनकी जो नैक है अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स जो फ्यूचर के परफॉर्मर होते हैं वो जो परखने की जो क्षमता है वो बहुत स्ट्रांग मानी जाएगी। और एसबीआई कॉन्ट्रा एसेट मैनेजमेंट, एसबीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी का भी एक फोकस्ड फंड है जिसपे बहुत तवज्जो दे रहे हैं दिनेश जी जो फंड मैनेजर हैं। सो आई वुड डेफिनेटली पिक एन एसबीआई कॉन्ट्रा, छोटा स्कीम है, बड़े एसेट मैनेजमेंट कंपनी से जब भी आप छोटी स्कीम लेते हैं ना तो उसमें संभावना होती है कि अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल सके, तो इसीलिए एसबीआई कॉन्ट्रा मैंने पहले भी शोज में रिकमेंड किया होगा, आज भी मैं रिइटरेट करूंगा गिवन द फैक्ट दैट आपके पास ऑलरेडी दो स्कीम्स हैं जहां ग्लोबल यूरोपियन और यूएस का दोनों का एक्सपोजर है। एसबीआई फोकस्ड और एसबीआई कॉन्ट्रा में से दोनों में से एक चुनना हो तो मैं आपको एसबीआई कॉन्ट्रा ही रेकमेंड करूंगा। चलिए, उम्मीद करते हैं तपस जी आपको समझाइश जो है पोर्टफोलियो को लेकर समझ में आ गई हो, उसके मुताबिक आप बदलाव करें अपने पोर्टफोलियो में। आगे बढ़ते हैं, बिमल पात्रा हमारे अलग दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ है। बिमल जी नमस्कार, पूछिए सर क्या सवाल है? नमस्ते मैम। मैम मैं जो पोर्टफोलियो भेजा हूँ उसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरे को कोई स्पेसिफिक फंड जैसे इंडेक्स निफ्टी 50 या इंडेक्स सेंसेक्स निफ्टी 50 जोड़ने का जरूरत है, जो टारगेट मेरा अचीव कर सकता मैं उसमें, नो कोई फंड में कोई बदलाव का जरूरत है? आपने ये यूटीआई चिल्ड्रन करियर कब शुरू किया है? एक साल हो गया मैम। एक साल हो गया है, और बाकी पूरा निवेश आपका? अच्छा, और बाकी आपका पूरा पोर्टफोलियो जो आपने बनाया है, जो आप एसआईपी कर रहे हैं 5 फंड्स में, वो आपने कब से शुरू की है? सभी शुरू किया था मैं फरवरी से, बीच में मैं रेगुलर थे जनवरी में डायरेक्ट फंड में आया, जो एसबीआई का 3 फंड है वो मैं डायरेक्ट में आया, पहले रेगुलर था उसको डायरेक्ट किया, और बाकी जो लमसम है मेरा वो तो एक साल सब हो गया। चलिए, आपने एसआईपी भी शुरू कर रखी है लगभग 14,500 की, और 3,45,000 का आपका एकमुश्त निवेश भी है। दोनों इन्वेस्टमेंट से आपको 1 करोड़ रुपए ही इकट्ठा करने हैं या ये राशि ज्यादा है? ना, वो 1 करोड़ लमसम हो जाए तो बस टारगेट मेरा अचीव हो जाएगा 15 साल में। हाँ जी मैम। चलिए, और अभी आप एक पैसिव फंड को इंडेक्स फंड को पूछ रहे हैं कि इंक्लूड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ऑलराइट, फिरोज मौजूदा पोर्टफोलियो में तो इन्होंने अच्छा खासा डाइवर्सिफाई करके रखा हुआ है, हालांकि उसमें आप इनको सुझाव देंगे ही, लेकिन 15 साल के लिए किसी पैसिव फंड को डालना जरूरी होगा या उसको ये स्किप कर सकते हैं? कविता जी, मेरा ये बहुत स्ट्रांग मानना है, डेटा बैक मानना है कि अगर अच्छे फंड्स चुने जाएं तो पैसिव फंड्स को बीट करने की संभावना 80% 90% भी हो सकती है। लार्ज कैप कैटेगरी में जो 13 फंड्स हैं जो 3 साल पार कर चुके हैं और रीजनेबल साइज के हैं, उसमें से शायद इतने अच्छे फंड्स ना मिले, उसमें भी 2% 2.25% की अल्फा पर एनम लास्ट 4 ईयर्स की आई हुई है। तो आई थिंक पैसिव फंड में आप खुद ही लिखित में दे देते हैं कि मुझे कोई एक्स्ट्रा रिटर्न नहीं चाहिए।
तो ये अच्छी रणनीति लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होगी। इंडिया की जो मार्केट है और इंडिया के जो फंड मैनेजर्स हैं वो अल्फा प्रोड्यूस करते हैं। साल दो साल बीच में अल्फा नहीं आया था, 2020-2021 में भी अल्फा में थोड़ी सी दिक्कतें आई थी क्योंकि ब्रॉडर मार्केट गिर रही थी, निफ्टी के कई चंद स्टॉक बहुत ऊपर जा रहे थे। सो आई वुड से बिमल जी आप पैसिव फंड्स को इग्नोर करें फिलहाल और अपने पोर्टफोलियो को बरकरार रखें। रहा सवाल आपके जो करंट 6-7 स्कीम्स हैं उसमें से SBI की 3 स्कीम है, UTI की 2 स्कीम है, आप अपने पोर्टफोलियो में लास्ट 5 इयर्स की एनुअलाइज रिटर्न देखेंगे तो 29% भी एक फंड ने दिया है साल दर साल एक्सेस, और दूसरा जो UTI का चिल्ड्रंस करियर फंड जो कविता जी ने भी उठाया इंटरेक्शन में, उसमें सिर्फ 8.98% की रिटर्न आई है 5 ईयर एनुअलाइज। तो आपको थोड़ा सोच समझ के अपनी पोर्टफोलियो बनानी है, ना कि इमोशंस में आके। SBI UTI दोनों PSU सेक्टर के हैं इसीलिए 5 स्कीम्स आपने PSU सेक्टर की शायद डाल दी होंगी, प्लीज उसको आप एसेट मैनेजमेंट लेवल पे भी डाइवर्सिफाई प्लीज करें। यहाँ पर इनको निकल जाना चाहिए किन फंड्स में से फिरोज, क्या सलाह होगी? एक रिप्लेसमेंट होगा SBI ग्लोबल मैग्नम, मैग्नम ग्लोबल फंड को इनको एग्जिट करके SBI फोकस्ड एक्विटी में जा सकते हैं, SBI स्मॉल कैप को बरकरार रख सकते हैं। SBI UTI की दोनों स्कीम्स में उनको जैसे ही अनलॉक हो जाएं तब एग्जिट करनी है। UTI मिड कैप फंड ऑफ कोर्स एक साल अगर हो गया है तो एग्जिट पीरियड खत्म हो गई है। कोटक एमर्जिंग एक्विटीज फंड पंकज टिब्रेवाल का अच्छा स्कीम है मेरे हिसाब से, व्हेन कंपेयर्ड टू UTI मिड कैप फंड UTI की जो फंड मैनेजमेंट टीम है ऑफ कोर्स अब बेटरी सुब्रमण्यन CIO हो चुके हैं, पहले वो इन्वेस्टको में थे बट उसके पहले काफी चेंजेस देखने को मिले थे। आई वुड से UTI की दोनों स्कीम्स एग्जिट करनी चाहिए, कोटक एमर्जिंग एक्विटीज को शामिल करना चाहिए, कैनरा रेबेको फ्लेक्सी कैप, HDFC फ्लेक्सी कैप और SBI फोकस्ड एक्विटी जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये 4 स्कीम्स को आप शामिल करके डिफरेंट एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में जरूर शामिल करें। और 5 स्कीमें 2 फंड मैनेजमेंट कंपनी से अच्छी बात नहीं है। विमल जी कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप फिरोज से? मैडम मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जो मेरा ओवर लुक जो हो रहा है, जो मेघना गोवाल फंड के बात कर रहे हैं सर, और वो रिटायरमेंट बेनिफिट उसमें मैं दोनों में से एग्जिट हूँ कि सिर्फ गोवाल मेघना फंड से एग्जिट हूँ? फिरोज हाँ तो दोनों में से निकलना है। SBI जो रिटायरमेंट फंड है, रिटायरमेंट बेनिफिट फंड जो एग्रेसिव हाइब्रिड प्लान आपने लिया हुआ है बिमल जी, उसको भी आप एग्जिट कर सकते हैं अगर उसकी एग्जिट लोड पीरियड हो चुकी हो। तो ये रिटायरमेंट और चिल्ड्रंस फंड जो होते हैं उनमें काफी बार एक लॉक इन पीरियड होता है, तो उसको आप देख के अगर आपको एग्जिट पीरियड में आ चुका है तो उसको आप एग्जिट करें। और SBI की 2 स्कीम्स आप रख सकते हैं इन दोनों को रिप्लेस करने के लिए, SBI फोकस्ड एक्विटी, SBI कॉन्ट्रा, क्योंकि आपकी 3 स्कीम्स SBI की हैं और SBI पे हमारा काफी कन्विक्शन हाई है, तो आप 3 स्कीम्स फिलहाल रख सकते हैं बट इन दोनों को तो जरूर आप रिप्लेस करके कॉन्ट्रा और फोकस में जा सकते हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। प्रिंस वर्मा का सवाल मैं लेना चाहती हूँ, उन्होंने ट्विटर के जरिए अपना सवाल हमें भेजा है और इन्हें चाहिए 15 से 20 लाख रुपए लगभग 7 से 10 साल में, और इन्होंने 25,000 की SIP भी यहाँ पर शुरू कर रखी है, 2500 की SIP माफ कीजिएगा शुरू कर रखी है, और एक्सिस ब्लू चिप है इनके पास, पराग पारे का फ्लेक्सी कैप है, SBI स्मॉल कैप, इन्होंने ये 3 फंड्स अपने पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ नहीं है वरना हम पूछ पाते इनसे कि 5-7 से 10 साल में ऐसा कौन सा लक्ष्य है जिनके लिए इनको 15 से 20 लाख रुपए चाहिए। हालांकि जो फंड्स इन्होंने चुने हैं वो तो ठीक होंगे फिरोज? कविता जी इन्होंने अच्छे फंड्स चुने हैं और अच्छी कैटेगरीज चुनी। अच्छी बात यह है कि इन्होंने एक लार्ज कैप स्कीम चुनी है, एक फ्लेक्सी कैप स्कीम चुनी है, एक स्मॉल कैप स्कीम चुनी है। ये बहुत मेथोडिकली क्रिएटेड 3 स्कीम्स का बास्केट है, वरना काफी बार एक ही कैटेगरी से 2 स्कीमें चुन ली जाती हैं। इन्होंने लार्ज कैप में भी कर लिया, मध्यम वर्ग की कंपनियां भी कवर कर ली और स्मॉल कैप की भी कवर कर ली, दैट्स पॉइंट 1। तो इनकी जो स्कीम्स है, पराग पारेक ऑफ कोर्स बहुत अच्छी फंड मैनेजमेंट है, उन्होंने साबित कर दिया है कि छोटे फंड मैनेजमेंट कंपनीज भी बहुत वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं इन्वेस्टर्स के लिए, यही पराग पारेक ने अनकन्वेंशनली पोर्टफोलियोज मैनेज करके साबित किया है, सो दैट्स डेफिनेटली देयर। इनको अपनी SIPs को स्टेप अप करना पड़ेगा क्योंकि अगर 14% की भी रिटर्न आती है इनके 2500 रुपए पे तो ये सिर्फ 6.5 लाख रुपए पे पहुंच पाएंगे 10 सालों में, क्योंकि 2500 रुपए पर मंथ अगर आप डालते हैं तो साल के 30,000 रुपए आप डालते हैं, तो 10 साल में आप सिर्फ
3 लाख रुपए डाल पाएंगे, तो 3 लाख रुपए बढ़ के 6.5 लाख रुपए हो जाएंगे 14% की ग्रोथ पे। तो इसीलिए आपको स्टेप अप करना है, 20% से अगर आप अपने पोर्टफोलियो को SIP अमाउंट को स्टेप अप कर पाएंगे तो आपका ये लक्ष्य पूरा होने की उम्मीद होगी। सो दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज टू यू। स्कीम्स जो हमने प्रीवियस दर्शक को भी कहे थे उसको मैं रिपीट करता हूँ, एक एक्स्ट्रा स्कीम भी आपको बताता हूँ, जैसे आपकी आई बढ़े तो उनको यूज कीजिएगा, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, SBI फोकस्ड एक्विटी, कोटक एमर्जिंग, HDFC फ्लेक्सी कैप, ये 4 स्कीम्स आप उस फिराक में रह सकते हैं कि इनको आपको ऐड करना है जैसे आपकी आई बढ़े, करंट स्कीम्स को आप बरकरार जरूर रख सकते हैं। और राइट, काफ़ी विस्तार से आपने प्रिंस को तमाम डिटेल्स दे दी है, और इसी के साथ फिरोज़ बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग की है और बारीकी से उनको बताया कि क्या सुधार क्या बदलाव करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आज शो का हिस्सा होने के लिए, और इसी नोट पे हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन